morning, dear students. My subject is HVDC, High Voltage Direct Current Power Transmission. And the today topic is that analysis of bad circuit with overlap. So let us start with my topic, analysis of bad circuit with overlap. Analysis of bad circuit with overlap. Here the figure is shown of a bad circuit with overlap. This is the figure of bad circuit with overlap. Here the 3-phase AC supply is given to the 3-winding of converter transformer, which is connected in star and the neutral point is grounded. And this is the bulb side winding may be connected star and delta. तो बल साइड वाइंडिंग मैंने स्टार में कनेक्ट किया है, लेकिन इसका जो न्यूट्रल है वो अनग्राउंडेड रहता है। तो स्टार में कनेक्ट है बल साइड वाइंडिंग, उसका न्यूट्रल क्या है? अनग्राउंडेड है। थ्री फेज एसी सप्लाई इज गिवन टू द थ्री वाइंडिंग ऑफ कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड इन स्टार विद न्यूट्रल ग्राउंडेड एंड द बल साइड वाइंडिंग मे बी कनेक्टेड इन स्टार और डेल्टा, बट इन दिस केस वी कनेक्ट इन दिस फिगर the bulb side winding connected in star and the neutral point is ungrounded. Here the LC is the LC due to the leakage inductance of converter. This is the LC which is called source inductance, या ये converter का leakage inductance होता है. LC किसकी वजह से है? Converter के leakage inductance के दौरान क्या है? LC है, इसको हम source inductance बोलते हैं. जब हमने analysis of gray circuit without overlap पढ़ा था, उस टाइम पे हमने जो सोर्स इंडक्टेंस को क्या किया था? नेगलेक्ट किया था। तो वहां पे सोर्स इंडक्टेंस को हमने कंसिडर नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे हम सोर्स इंडक्टेंस एलसी को कंसिडर करते हैं, ठीक है? एलसी इज द सोर्स इंडक्टेंस। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ आरिस्टर, दिस इज इन ब्रिज फॉर्म, दिस सर्किट इज लाइक ए ब्रिज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड द ग्रिड सर्किट, दिस इज कॉल्ड द ग्रिड सर्किट। एलडी इज द डीसी साइड इंडक्टेंस, आईडी इज द डीसी साइड करंट, डीसी करंट, एंड बीडी इज द डीसी वोल्टेज, डीसी आउटपुट वोल्टेज। एंड द सीक्वेंस ऑफ थायरिस्टर्स या वाल्व इज दैट 1 2 3 4 5 6 इज दैट सीक्वेंस। एलडी इज द डीसी साइड इंडक्टेंस, आईडी इज द डीसी करंट, बीडी इज द डीसी आउटपुट वोल्टेज। Here the LC indicates the leakage inductance of transformer. यहाँ पे LC है, वो converter transformer के leakage inductance को show करता है। VD and ID is the DC voltage and current flowing in the line. VD and ID are is the DC voltage. VD and ID are the DC voltage and current in the line. DC current in the flowing in the line. VD and ID is the DC voltage and current, DC current flowing in the line. LD is the DC side reactance, LD जो यहाँ पे draw किया है वो DC side का reactance है। Due to the leakage inductance of converter transformer, इस converter transformer के leakage inductance के दौरान and impedance in supply network और supply network में impedance के project होने के दौरान the current in the bulb cannot change suddenly. जो बल्ब में जो करंट है वो सडनली चेंज नहीं होता है, नहीं हो सकता। एंड थस कम्युनिकेशन फ्रॉम वन बल्ब टू नेक्स्ट कैन नॉट बी इंस्टेंटेनियस, इसलिए एक बल्ब से दूसरे बल्ब में कम्युनिकेशन है वो इंस्टेंटेनियस नहीं हो सकता। ड्यू टू द लीकेज इंडक्टेंस ऑफ कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर एंड इंपीडेंस इन सप्लाई नेटवर्क द करंट इन बल्ब कैन नॉट चेंज सडनली, यानी कि कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर के लीकेज इंडक्टेंस और सप्लाई नेटवर्क के इंपीडेंस के दौरान जो करंट है बल्ब में वो सडनली चेंज नहीं हो सकता। एंड थस कम्युटेशन फ्रॉम वन बल्ब टू नेक्स्ट कैन नॉट बी इंस्टेंटेनियस, ये कम्युटेशन एक बल्ब से दूसरे बल्ब में इंस्टेंटेनियस नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल ये देखते हैं, व्हेन बल्ब 3 इज फायर्ड, जब इस बल्ब 3 को हम फायर कर रहे हैं, व्हेन बल्ब 3 इज फायर्ड करंट ट्रांसफॉर्म बल्ब 1 2 बल्ब 3, जो करंट का ट्रांसफॉर्म हुआ बल्ब 1 से बल्ब 3 में, टेक्स ए फाइनाइट पीरियड, वो एक सीमित समय लेता है ड्यूरिंग व्हिच बोथ बल्ब्स आर कनेक्टेड, यानी जब दोनों बल्ब्स कनेक्ट कर रहे हैं उस टाइम के दौरान वो एक फाइनाइट पीरियड लेता है करंट को ट्रांसफॉर्म होने में, यानी कि बल्ब 1 से बल्ब 3 में जो करंट ट्रांसफॉर्म हुआ वो एक फाइनाइट समय लेता है, फाइनाइट पीरियड में सीमित समय लेता है जब दोनों बल्ब कनेक्ट कर रहे हैं। This is called
ओवरलैप, इसे हम ओवरलैप कहते हैं एंड इट्स ड्यूरेशन इज मेजर्ड बाय ओवरलैप एकोमोडेशन एंगल यू। और इसके ड्यूरेशन को इनकी जो ओवरलैप का ड्यूरेशन है उसको हम मेजर करते हैं बाय यूजिंग ओवरलैप एंगल या कम्यूटेशन एंगल, जिसको किसके द्वारा साथ हम यू के द्वारा डेवलप करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब बल्ब थ्री को हम फायर करेंगे तो करंट ट्रांसफॉर्म होगा और वन से बल्ब थ्री में वो एक फाइनाइट समय देता है, तो सीमित समय देता है ड्यूरिंग विच बोथ बल्ब्स आर कंडक्टिंग। जब दोनों बल्ब्स कंडक्ट कर रहे हैं तो उसके दौरान करंट जो दोनों बल्ब से बल्ब थ्री में ट्रांसफॉर्म होने में एक फाइनाइट पीरियड लेता है, सीमित समय लेता है। दिस इज कॉल्ड ओवरलैप, इसी को हम ओवरलैप कहते हैं एंड इट्स ड्यूरेशन मेजर्ड बाय द ओवरलैप और कम्युनिकेशन एंगल भी। और इस ड्यूरेशन को यानी ओवरलैप के ड्यूरेशन को हम मेजर करते हैं बाय यूजिंग ओवरलैप एंगल व्यू या कम्युनिकेशन एंगल व्यू के द्वारा इसे दर्शाते हैं। ठीक है, ओवरलैप एंगल बोल सकते हैं इसको या कम्युनिकेशन एंगल बोल सकते हैं, और इसको किसके द्वारा दर्शाते हैं, व्यू के द्वारा दर्शाते हैं। नाउ नेक्स्ट, जब दोनों बल्ब कंटेक्ट कर रहे हैं इसको हम ओवरलैप कहते हैं, और इस ओवरलैप को इस जो ओवरलैप का ड्यूरेशन है उसको ओवरलैप एंगल या कम्युनिकेशन एंगल यू के द्वारा दर्शाते हैं, एस के द्वारा मेजर करते हैं, ओवरलैप एंगल के द्वारा या कम्युनिकेशन एंगल के द्वारा इसे मेजर करते हैं और किसके द्वारा दर्शाते हैं, यू के द्वारा दर्शाते हैं। नेक्स्ट इज दैट कम्युनिकेशन डिले द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर करेंट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर करेंट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर करेंट करेंट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट will both pass carrying current, will both pass carrying current simultaneously is known as overlap, simultaneously is known as overlap. Whenever current is transferring from one bulb to another bulb, then at that time there will be overlap. So the time required for completion or overlapping, so the time required for completion or overlapping
time required for computation or overlapping, which is expressed in electrical degree. Which is expressed in electrical degree. Expressed in electrical degree. Which is expressed in electrical degree. Is done with computation angle denoted by U. Is done with computation angle denoted by U. Denoted by U. Here the process of transfer current from one part to another part will both paths carry current. यानी कि current का जो transfer हो रहा है एक path से दूसरे path में जो current का transfer हो रहा है will both paths carry current. जिसमें दोनों path है वो current को carry करेंगे. ठीक है. The process of transfer current from one path to another path, एक path से दूसरे path में जो current के transfer होने की जो प्रक्रिया है will both paths carry current. यानी कि दोनों path current समान दोनों path है वो current carry करेंगे. Simultaneously is known as overlap. इसको हम क्या कहते हैं? Overlap कहते हैं. The process of transfer current from one path to another path will both path carry current. Simultaneously दोनों path है जो simultaneously current को carry करेंगे is known as overlap. इसको हम क्या बोलते हैं? Overlap कहते हैं. In overlap period, both 1, 3, 3, 5 and 5, 1, जब ये अपने पॉजिटिव और नेगेटिव रूप में कन्वर्ट करेंगे, जब ये ओवरलैप पीरियड में बोथ वैल्यू जैसे कि 1, 3 हो गया, 3, 5 हो गया और 5, 1, जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव रूप से कन्वर्ट करेंगे, whenever current is transferring from one valve to another valve, जब current का transfer होगा, एक valve से दूसरे valve में जब current का transfer हो रहा है, then at that time, तब उस समय there will be overlap. उस time पे क्या होगा? Overlap होगा. यानी कि जब current का transfer जो होगा, एक valve से दूसरे valve में current transfer हो रहा है, तो उस time पर वहाँ पे क्या होगा? Overlap होगा. ठीक है? So the time required for commutation or overlapping which is expressed in electrical degree. इसलिए जो time की requirement है commutation के लिए overlapping के लिए, इसलिए जो time की आवश्यकता है commutation के लिए और overlapping के लिए which is expressed in electrical degree, जिसे electrical degrees में दर्शाते हैं, is done with commutation denoted by mu. Is done with commutation angle denoted by mu, जिसको हम commutation angle mu के द्वारा denote करते हैं. जो भी time की which is expressed in electrical degrees is done with commutation angle denoted by mu. जो भी time की requirement है overlapping के लिए या commutation के लिए उसको electrical degree में हम express करते हैं, दर्शाते हैं, is done with commutation angle denoted by mu. ये होता है commutation angle जिसको mu के द्वारा हम denote करते हैं. Now the next point is that during normal operating conditions The overlap angle is the range of 0 to 60 degree in which two or three valves are conducting, in which two or three valves are conducting. ये है normal operating condition के द्वारा. However, if the overlap angle, if overlap angle,
However, if overlap angle is the range of 60 to 120 degrees, is the range of 60 to 120 degrees, 60 to 120 degrees, then 3 to 4 balls in contacting state, then 3 to 4 balls are in conducting state, which is known as abnormal operating mode, which is known as abnormal operating mode. During computation period, जो normal operating condition और abnormal operating condition है, वो इसलिए दिखाई नहीं पॉइंट पर में. During the normal operating conditions, the overlap angle is the range of 0 to 60 degree. यानी जब normal operating condition के दौरान जो overlap angle की जो range होगी, वो 0 से 60 degree तक होगी. In which जिसमें 2 और 3 balls are contacting, जिसमें 2 या 3 balls contact कर रहे होते हैं, ठीक है? इसमें 2 या 3 balls contact कर रहे होते हैं, और रेंज क्या होगी नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन के दौरान ओवरलैप एंगल की रेंज क्या होगी 0 टू 60 डिग्री इसमें दो या तीन बॉल कांटेक्ट कर रहे होते हैं ठीक है आवर इफ द ओवरलैप एंगल इज द रेंज ऑफ 60 टू 120 डिग्री यदि ओवरलैप एंगल की जो रेंज है वो 60 टू 120 डिग्री है देन द 3 और 4 बॉल्स आर इन कनेक्टिंग स्टेज तो 3 या 4 बॉल 3 और 4 बॉल्स आर इन कनेक्टिंग स्टेज और दोनों बॉल्स आर इन कंडक्टिंग स्टेट तो तीन या चार बॉल्स कंडक्टिंग स्टेट में होते हैं विच इज नॉन ए अबनॉर्मल ऑपरेटिंग मोड जिसे हम क्या बोलते हैं अबनॉर्मल ऑपरेटिंग मोड कहते हैं यदि ओवरलैप एंगल की रेंज 60 टू 120 डिग्री की रेंज में है तो उस टाइम पे तीन या चार बॉल्स कंडक्टिंग स्टेट में होते हैं विच इज नॉन ए अबनॉर्मल ऑपरेटिंग मोड जिसे अबनॉर्मल ऑपरेटिंग मोड कहते हैं ठीक है यानी एक ही जो कंडक्शन स्टेज में तो तीन या चार बॉल क्या कर रहे होंगे ऑपरेट कर रहे होंगे तो यहाँ पे ओवरलैप एंगल की है यदि रेंज 60 टू 120 डिग्री है तो उस टाइम पे तीन या चार बॉल्स कंडक्टिंग स्टेज में होते हैं जिसे हम अबनॉर्मल ऑपरेटिंग मोड कहते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं अबनॉर्मल ऑपरेटिंग मोड कहते हैं और यदि रेंज है जो ओवरलैप एंगल की है 0 से 60 डिग्री के बीच में तो वहां पे दो या तीन बॉल्स ऑपरेटिंग तीन बॉल्स कंडक्ट कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन और यदि ओवरलैप एंगल की रेंज 60 टू 120 डिग्री है तो वहां पे तीन या चार बॉल्स कंडक्टिंग स्टेट में होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं अबनॉर्मल ऑपरेटिंग मोड कहते हैं अबनॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन कहते हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इज दैट during computation period, the current increases from 0 to id. The current increases from 0 to id. Current increases from 0 to id maximum. id means जो DC value का वो maximum value को पहुंचता है. id maximum. In the incoming ball, and reduces to zero from id in outgoing state. The computation process begins
एक्सपीरियंस विद डिले एंगल, कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगिंस विद डिले एंगल एंड एंड विद एंड डिले एंगल अल्फा एंड एंड्स विद एक्सटेंशन एंगल that is it starts when omega p बराबर alpha, when omega p बराबर alpha and ends when omega p बराबर alpha plus k mu which is called delta, where delta is known as extension angle. The next point is that during communication period the current increases from 0 to id, yani communication period ke dauran jo current hai wo 0 se leke id ki maximum value tak increase hota hai in the incoming one mein and reduces to 0 from id, aur id se 0 tak reduce hota hai in outgoing state mein ye kya hota hai 0 se leke id tak reduce hota hai. कम्युनिकेशन पीरियड के दौरान जो करंट है वो इनकमिंग बॉल में 0 से लेके आईडी की मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज होता है और रिड्यूस होता है, आईडी से 0 तक रिड्यूस होता है इन द आउटगोइंग स्टेट में आईडी से 0 तक रिड्यूस होता है. द कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगिंस विद डिले एंगल अल्फा, यहां पे जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो डिले एंगल अल्फा के साथ स्टार्ट होती है, शुरू होती है एंड एंड विद एक्सटेंशन एंगल, और एक्सटेंशन एंगल के साथ इसका एंड होता है. दैट इज इट स्टार्ट्स व्हेन ओमेगा टी बराबर अल्फा, एंड ये जो कम्युनिकेशन पीरियड किया है वो ओमेगा टी बराबर अल्फा मींस डिले एंगल तो क्या हो गया स्टार्ट हो गया एंड एंड्स व्हेन ओमेगा टी बराबर अल्फा प्लस के मू व्हिच इज इक्वल टू डेल्टा, और ये एंड का होगी जब ओमेगा टी बराबर एंड व्हेन ओमेगा टी बराबर अल्फा प्लस के मू व्हिच इज इक्वल टू डेल्टा. Where A is known as extension angle, mu is the commutation angle या overlap angle, alpha is the delay angle, mu is the overlap angle या commutation angle, delta is the extension angle, alpha is the delay angle. So जो commutation की क्रिया है वो delay angle alpha के साथ start होती है और extension angle के साथ क्या होती है end होती है, extension angle के साथ क्या होती है end होती है. तो इट स्टार्ट्स व्हेन ओमेगा टी बराबर अल्फा, कम्युनिकेशन की क्रिया होगी ओमेगा टी बराबर अल्फा से क्या होगी स्टार्ट होगी और एंड कहां पर होगी व्हेन जब ओमेगा टी बराबर क्या होगा अल्फा प्लस के म्यू व्हिच इज इक्वल टू डेल्टा, यानी एक्सटेंशन एंगल पे क्या होगी एंड होगी. ठीक है, तो वेयर अल्फा इज द डिले एंगल, म्यू इज द ओवरलैप एंगल और कम्युनिकेशन एंगल, और डेल्टा इज द एक्सटेंशन एंगल, वेयर डेल्टा इज नोन एज एक्सटेंशन एंगल. इसके बाद आता है मोड ऑफ ऑपरेशन. During यह हमारा है during communication period the current increases from 0 to id, communication period के दौरान जो current है वो 0 से id maximum value तक increase होता है in the incoming form and reduces to 0, वो 0 तक reduce होता है from id से 0 तक reduce होता है outgoing state. communication की process है वो delay angle alpha के साथ start होती है और extension angle के साथ क्या होती है end होती है, means omega t बराबर alpha यानी इससे तो जो हमारी communication जो यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो क्या होता है एंड होता है, वेयर डेल्टा इज नोन एज एक्सटेंशन एंगल, जहाँ पे डेल्टा को क्या बोलते हैं एक्सटेंशन एंगल बोलते हैं. नेक्स्ट आता है मोड ऑफ ऑपरेशन, मोड वन में हमारा क्या होगा टू एंड थ्री वर्क्स कंडीशन, बारिंग कंडीशन टू एंड थ्री वर्क्स कंडीशन
यानी दो और तीन वर्ष आपके कंडक्टिंग स्टेट में होते हैं जब यू की वैल्यू लेस देन होगी 60 डिग्री, लेस देन होगी 60 डिग्री। ठीक है, अगला है मोड टू। मोड टू इसमें थ्री वर्ष कंडक्शन स्टेट कंडक्टिंग स्टेट में होते हैं, थ्री वर्ष कंडक्शन होते हैं, थ्री वर्ष कंडक्ट करते हैं कंडक्शन इन कंडक्शन, थ्री वर्ष इन कंडक्शन जब यू की वैल्यू होगी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, एक नेक्स्ट ऑप्शन मोड थ्री है जिसमें थ्री और फोर वर्ष कंडक्शन स्टेट होते हैं, थ्री एंड फोर वर्ष, तीन और या चार वर्ष कंडक्शन में अल्फा सॉरी यू इज ग्रेटर देन 60 डिग्री। तो मोड ऑफ ऑपरेशन ये है, फर्स्ट मोड फर्स्ट में दो या तीन मोड कंडक्ट करेंगे जब कब, जब यू की वैल्यू लेस देन 60 डिग्री होगी, यानी कम्युनिकेशन एंगल या जो बड़ा वोल्टेज लेवल है उसकी वैल्यू 60 डिग्री से कम होगी, तो उस टाइम पे दो या तीन मोड कंडक्शन स्टेट होंगे। मोड टू में थ्री मोड्स कंडक्शन स्टेट होंगे जब यू की वैल्यू इक्वल टू होगी 60 डिग्री, और जब मोड नंबर थ्री में तीन या चार मोड कंडक्शन स्टेट होंगे जब यू की वैल्यू 60 डिग्री ग्रेटर देन 60 डिग्री होगी। ठीक है, तो मोड नंबर थ्री में तीन या चार मोड कंडक्टिंग स्टेट होंगे या तीन या चार मोड कंडक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, जब यू की वैल्यू कितनी होगी ग्रेटर देन 60। तो दीज आर द मोड ऑफ ऑपरेशन, यू इज लेस देन 60 डिग्री, देन द टू एंड थ्री मोड्स ऑफ कंडक्टिंग स्टेट, वेन मोड नंबर सेकंड, मोड नंबर टू वेन यू इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन द थ्री मोड्स ऑफ कंडक्टिंग स्टेट, मोड नंबर थर्ड वेन यू इज ग्रेटर देन 60 डिग्री, देन द थ्री एंड फोर मोड्स ऑफ कंडक्शन स्टेट, द कंडक्टिंग स्टेट। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।